हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। और आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी का सिलसिला चल रहा है और उस तैयारी के सिलसिले में हम आज आ गए हैं क्लास नंबर 10 में। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने 9 क्लासेस कवर कर ली हैं जो कि प्लेलिस्ट में एडेड है। मेरे ख्याल से आपने सारे लाइव क्लासेस देख लिए होंगे और आज के क्लास नंबर 10 में शाम के 7 बज चुके हैं और टाइम है इसको स्टार्ट करने का। आज हम फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 का अगला लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन में से एडी को खत्म कर लिया था। यानी आज हम बात करेंगे एम और ई की, यानी मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की। जी पैट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आप, लेकिन आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन छोटे लेवल्स के आते हैं क्योंकि इसमें डिप्लोमा वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं तो पेपर बहुत इजी होता है। इसलिए जो भी टॉपिक्स अब तक बने, देखिए आप लोगों ने सवाल पूछा था मुझे कमेंट सेक्शन में कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि जो पुराने क्वेश्चन आए वो वाले पढ़ा रहे हैं। देखिए जो मैं ये नोट्स बनाता हूँ उसको करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। पहले तो सिलेबस का टॉपिक उसे कवर करता हूं, फिर उस टॉपिक में जो पिछले रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सिर्फ ना फार्मासिस्ट आरआरबी का नहीं बल्कि जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी इस टॉपिक में घुसेड़ने की कोशिश करता हूं और फिर क्वेश्चंस क्रिएट करता हूं। इसलिए आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि सर एक दिन में 2 क्लास लीजिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, 4 से 5 घंटे की मेहनत लगती है क्लास बनाने में, तो इसलिए उस पर थोड़ा सा भी समय लगेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज लेक्चर नंबर 10वां, क्लास नंबर 10वां है जिसमें हम मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में कि क्या होता है मेटाबॉलिज्म। मैंने आपसे क्या बताया था कि जो ड्रग है एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग पहुंच गई कहां, पहुंच गई हमारे रिसेप्टर साइट पे बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब वो ड्रग पहुंचा तो वहां पे अब उसने फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया, अब उसे वहां से बाहर निकालना जरूरी है। इसके लिए वहां पे प्रोसेस इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, उसको स्टडी करते हैं क्योंकि हम ड्रग के नेचर को बायो के अंदर, बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसे प्रो ड्रग से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं या एक्टिव से इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो इस पूरी प्रोसीजर समझते हैं। देखिए मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी, यानी किसी भी दवा का केमिकली उसका नेचर चेंज कर देना, उसके स्ट्रक्चर को, शेप को चेंज करना केमिकल अल्टरेशन कहलाता है। सबसे अलग क्वेश्चन होता है कि मेटाबॉलिज्म का सबसे प्राइमरी साइट क्या है, वो है लीवर। अक्सर ऑप्शन पूछेगा लंग, किडनी, ब्रेन, लीवर, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्राइमरी जो रास्ता है, प्राइमरी प्लेस है, वो लीवर है। इसके अलावा हमारे और से बॉडी ऑर्गन में कुछ मात्रा में मेटाबॉलिज्म होते हैं, जैसे कि किडनी में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। इंटेस्टाइन का जो मेन सोर्स है वो बाइल जूस के द्वारा होता है, यानी इंटेस्टाइन से जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बाइल जूस के द्वारा लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकलता है। लंग्स से आप देखते हैं हमारे कुछ हम गैस एक्सचेंज करते हैं जब सांस बाहर छोड़ते हैं, और प्लेसेंटा के थ्रू मां से बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए बहुत सी दवाइयां डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में क्योंकि प्लेसेंटा के द्वारा वो बच्चे में जा सकता है मेटाबोलाइज होकर। तो ये कुछ अदर सोर्सेज भी हैं, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग और प्लेसेंटा, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बेसिकली होता क्या है मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें बहुत खास होती हैं, इन दो चीज को समझिए। पहला, जो ड्रग लाइपोफिलिक नेचर का है, लाइपोफिलिक ड्रग नेचर का होगा तभी वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट होगा, एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर ड्रग लाइपोफिलिक बना रहेगा तो वो किडनी में जाकर के एक्सक्रीट होकर बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि उस ड्रग को हाइड्रोफिलिक होना पड़ेगा तभी वो किडनी के रास्ते बाहर निकलेगा या एक्सक्रीशन तभी हो पाएगा। तो इसीलिए लाइपोफिलिक ड्रग में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन करा दिए जाते हैं जिससे उसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है और वो हाइड्रोफिलिक हो जाता है। तो सबसे पहला काम होता है ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट किया जाता है। मेटाबॉलिज्म का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करें। दूसरा, जो अनआयनाइज्ड कंपाउंड होता है उसको आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आपको पता है किडनी में कोई भी ड्रग जब आयनिक फॉर्म में होता है तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, और वाटर सॉल्युबल होगा तो स्किड जल्दी होगा, यानी एक्सक्रीशन से पहले
जो हम कार्यक्रम करते हैं वही हमारा मेटाबॉलिज्म है, यानी एक्सक्रीशन में हेल्प करने के लिए मेटाबॉलिज्म का होना जरूरी है। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग का हाइड्रोसॉल्युबल वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट होना और अनआयनाइज्ड ड्रग का आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये दो मेन प्रोसीजर होते हैं। बाकी और क्या हो सकता है ये समझ लेते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म में बेटा तीन चीजें बहुत खास है। आपने सुना होगा कोई कोई ड्रग जो है वो प्रो ड्रग के फॉर्म में आता है। प्रो ड्रग जो है वो एक तरह का इनएक्टिव ड्रग होता है, इनएक्टिव ड्रग होता है, यानी कि ये अगर बॉडी में जब भी हम खाएंगे वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही बॉडी में जाके ये मेटाबोलाइट होता है और मेटाबोलाइज होकर के ये एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है लेकिन जैसे ही बॉडी में जाएगा, जैसे लिवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट, डोपामीन जो है लिवोडोपा जो है वो उसका प्रोडक्ट फॉर्म है, डोपामीन जो ड्रग है वो उसका एक्टिव फॉर्म है, तो लिवोडोपा फॉर्म में एक्टिव नहीं। तो किसी भी ड्रग की एक्शन को बढ़ाने के लिए वो ड्रग हमारी बॉडी में रिसेप्टर से पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय ना हो जाए उससे बचाने के लिए हम उस ड्रग को प्रो ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रो ड्रग फॉर्म भी हमारी बॉडी में जाके एक्टिव मेटाबोलाइट या एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो भी मेटाबॉलिज्म से ही होगा। एक चीज तो ये होता है। दूसरा चीज ये हो सकता है कि जो एक्टिव ड्रग था वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्रग तो था लेकिन उसका एक्शन नहीं आ रहा था, वो जैसे ही बॉडी में जाके मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटाबोलाइट हो जाएगा। जैसे फेनेसिटिन, फेनेसिटिन एक ड्रग होता है, वो बॉडी में जाके पैरासिटामोल बना देता है और पैरासिटामोल क्या है, एक्टिव फॉर्म है। तो फेनेसिटिन प्रो ड्रग फॉर्म नहीं है, वो भी एक ड्रग फॉर्म है लेकिन उसका ज्यादा एक्टिव फॉर्म क्या है, वो पैरासिटामोल है। तो किसी भी ड्रग का एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा तरीका यह होता है कि जो ड्रग एक्टिव फॉर्म में पहले से था उसे इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि वो बॉडी से उसका असर आना खत्म हो जाए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन खत्म हो जाए और वो शरीर से एक्सक्रीट होकर बाहर निकल जाए। ठीक है, तो तीन तरीके से मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। पहला समझिए कि जो इनएक्टिव प्रो ड्रग है उसको एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करना। पहला काम तो यह है कि इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करना, मेटाबॉलिज्म का पहला स्टेप होता है। अच्छा, ये सब में नहीं होगा, सारे ड्रग प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आते, कुछ कुछ ड्रग प्रोडक्ट के फॉर्म होते, तो उन्हीं में काम होगा कि जो प्रो ड्रग है वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, एक्टिव ड्रग और एक्टिव मेटाबोलाइट में डिफरेंस है। एक्टिव ड्रग वो है जो ड्रग हम बाहर से खा रहे हैं और वो उसी फॉर्म में अगर हमारी बॉडी में असर करता है तो वो एक्टिव ड्रग है, और जो ड्रग बॉडी में खा रहे हैं लेकिन उसी फॉर्म में असर नहीं करता वो प्रो ड्रग था, प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हुआ। और कभी कभी जो ड्रग होता है एक्टिव ड्रग जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट। तो दूसरा स्टेप ये है कि जो एक्टिव ड्रग है वो एक्टिव मेटाबोलाइट बना सकता है, जैसे कहा फेनेसिटिन और पैरासिटामोल दोनों असर करेंगे लेकिन पैरासिटामोल ज्यादा असर करेगा। एक तो होता है कि जो ड्रग है वो एक्टिव में कन्वर्ट हो गया और ज्यादा काम करने लगा, और एक हो गया जो ड्रग है वो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो गया, यानी अब वो काम करना बंद करेगा और ज्यादा शरीर से बॉडी से बाहर निकलने की प्रोसेस में आ जाएगा। तो एक्टिव ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होना, एक्टिव ड्रग का इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होना, यानी कि जब इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो यह मेटाबॉलिज्म का सबसे आखिरी स्टेप होता है कि जब तक कोई भी एक्टिव ड्रग इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो ड्रग हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, उसकी पोलैरिटी नहीं बदलेगी। तो तीन प्रोसेस होते हैं, एक तो प्रो ड्रग का एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, दूसरा एक्टिव ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करना, और तीसरा है एक्टिव ड्रग का इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। यह प्रोसेस सभी के साथ होता है, सभी ड्रग के साथ, ये किसी किसी के साथ होता है और ये भी किसी किसी के साथ होता है, लेकिन किसी भी ड्रग का इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना, मेटाबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये कंपलसरी है और ये सबके साथ होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ और फॉर्म देख लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कौन से एक्टिव ड्रग है जो बॉडी में जाके एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आपको समझना है। यहां एक्टिव ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट, ये याद कर लो लिस्ट, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये लिस्ट बहुत ढूंढ के बनाया गया है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी ये जो ड्रग है ये भी काम करेंगे बॉडी में, ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में होते तो वो काम ही ना करते जब तक कन्वर्ट नहीं होंगे, ये भी काम करेंगे लेकिन मेटाबॉलिज्म के बाद अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो ये और ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, यानी एक्टिव ड्रग जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम लोग, यहां पे एक सेकंड का पॉज लेते हैं, शायद लाइट आ रही है बोर्ड पे। ठीक है, तो पहला है एमीट्रिप्टाइलिन, एमीट्रिप्टाइलिन कन्वर्ट होता है नॉरट्रिप्टाइलिन, आपने एंटीडिप्रेसेंट ड्रग पढ़ा होगा उसमें याद कर लीजिएगा, जितने भी टॉपिक यहां पे है वो सब क्वेश्चन आए हुए हैं,
एमिट्रिप्टाइलिन इस होता है नॉर्ट्रिप्टाइलिन में, कोडीन कन्वर्ट होता है मॉर्फीन में, कोडीन मॉर्फीन में, डाइजापॉम ऑक्साजिपॉम में, याद रखिएगा सारा चीज याद करिएगा, डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन डिजॉक्सिन में, इमिप्रामीन डेस्पिरामीन में, सारा कुछ लगभग मैचिंग करता है याद हो जाएगा, फेनसिटिन पैरासिटामोल में, फेनसिटिन पैरासिटामोल का एक्टिव फॉर्म है और ये पैरासिटामोल एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म है, प्रिमिडोन कन्वर्ट होता है फिनोबार्बिटोन में, स्पाइरेनोलेक्टोन कन्वर्ट होता है कैरनिनोन में, एलोप्यूरिनॉल एलोजेंथीन में, यूरिक एसिड की दवा है, और मॉर्फिन होता है मॉर्फिन सी सिक्स ग्लूकोरोनाइड, मॉर्फिन सिक्स ग्लूकोरोनाइड, ये सारे एक्टिव फॉर्म है, यानी ये ड्रग खुद एक्टिव है, ड्रग है, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म के बाद और सुपर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये ड्रग और अच्छा रिस्पॉन्स करता है जिसे हम एक्टिव मेटाबोलाइट करते हैं। मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, उससे जरूरत नहीं है नोट्स की क्योंकि मैं ऑलरेडी पीडीएफ आपको बैच में प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री में, तो उस पीडीएफ से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा है कौन सा प्रोड्रग है जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये भी याद रखिएगा, मैंने कहा ना एक तो ड्रग एक्टिव फॉर्म में है, प्रोड्रग आप जानते हैं क्या होता है, प्रोड्रग एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके साथ प्रो मॉइटी लगी होती है और वो ड्रग इनएक्टिव होता है, वो काम ही नहीं करेगा जब तक कि वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कौन कौन से ड्रग हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं यानी प्रोड्रग के फॉर्म में होते हैं और कन्वर्ट होते हैं, तो प्रोग्रामिल एक प्रोड्रग फॉर्म है, देखिए इसमें आगे ऑलरेडी प्रो लगा हुआ है, ये कन्वर्ट होता है साइक्लोग्लुवामिन में, लिवोडोपा इट इज द प्रोड्रग फॉर्म और ये कन्वर्ट होता है डोपामीन में, डोपामीन इज द ओरिजिनल फॉर्म, इनालाप्रिल कन्वर्ट होता है इनालाप्रिलेट में, जो हम इनालाप्रिल खाते हैं ना बीपी की दवा ब्लड प्रेशर की, वो प्रोड्रग के फॉर्म में होता है, वो कन्वर्ट होता है बॉडी में इनालाप्रिलेट में, वहीं पे डाइपेविफ्रीन ये कन्वर्ट होता है एपिनेफ्रीन में, जो हम लोग खाते हैं दवा एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन जो है वो डाइपेविफ्रीन के फॉर्म में आता है जो कि प्रोड्रग फॉर्म, वहीं पे सुल्निडैक जो आता है वो कन्वर्ट होता है सल्फाइड मेटाबोलाइट में, सुल्निडैक कन्वर्ट होता है सल्फाइड मेटाबोलाइट में, प्रेडनिसोलोन कई बार पूछा सर ये गलत लिखा है, प्रेडनी ये होना चाहिए प्रेडनिसोन, ठीक है ये नाम है प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोन जो है वो इनएक्ट प्रोड्रग फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है, ये कन्वर्ट होता है प्रेडनिसोलोन, बेटा सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं, बदाम्पासिलीन कन्वर्ट होता है एम्पीसिलीन में, आपने मॉक्सिसिलीन खाया हुआ एंटीबायोटिक वो बदाम्पासिलीन के फॉर्म में आता है, सल्फासैलाजिन कन्वर्ट होता है 5-अमीनोसैलिसिलिक एसिड, सल्फा सैलाजी साजो के नाम से बिकता है मार्केट में एंटीबायोटिक है, ए साइक्लोविर एंटीवायरल ड्रग है ये कन्वर्ट होता है ए साइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में, यहां पे एटीपी से कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होता है, और साइक्लोफास्फामाइड कन्वर्ट होता है एल्डोफास्फामाइड या इसको एक्रोलीन भी कहते हैं, ये भी हट जा रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये टॉपिक ये 10-10 टॉपिक जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको जरूर याद करके जाना, क्वेश्चन यहां से बेटा फंस सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अब आते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन क्या होता है, मैंने बताया जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो तभी पॉसिबल है जब बॉडी में बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो, उस ड्रग का जो एक्टिव ड्रग है इसको इनएक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दो चरणों में होता है फेज वन फेज टू। फेज वन रिएक्शन का मेन पर्पज क्या है, ध्यान समझिएगा, जो फेज वन रिएक्शन है उसका मेन पर्पज क्या है, ड्रग को मोर पोलर बनाना, किसी भी ड्रग को ज्यादा पोलैरिटी यानी जो ड्रग लाइपोफिलिक था उसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना, जो अनआयनाइक फॉर्म में था उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये पहले स्टेप का मेन काम है, ठीक है। और ये करता है इसमें कुछ किसी खास प्रकार के कॉन्जुगेशन को ऐड करता है, इसको फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और खास बात याद करना कि फेज वन रिएक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, वो लीवर में होता है, किस एंजाइम की उपस्थिति में, साइटोक्रोम P450 एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि फेज वन रिएक्शन का मुख्य एंजाइम कौन सा है, वो है साइटोक्रोम P450। फेज वन रिएक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, वो लीवर में होता है, क्योंकि ये एंजाइम लीवर में ही पाया जाता है, ये टॉपिक याद करके रखिए। और क्यों होता है, पोलैरिटी को बढ़ाने के लिए। वही जो फर्स्ट फेज टू रिएक्शन है इसमें इंडोजिनस कंपाउंड बढ़ाते हैं, यानी इसमें अब हम पहले वाले रिएक्शन में तो हम रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये रिएक्शन कराना हो गया, दूसरे में हम कोई पोलर ग्रुप ही लाकर जोड़ देते हैं, यानी बेसिक जो फेज टू रिएक्शन है वो एक तरह का कॉन्जुगेशन रिएक्शन है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है किसी चीज को लाकर एड कर देना, किसी दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देना,
तो जब कॉन्जुगेशन रिएक्शन हम करेंगे तो उससे क्या होता है कि हम किसी बड़े बड़े पोलर ग्रुप को लाके उसके साथ जब ऐड कर देते हैं तो दो चीजें होती है। पहले तो ड्रग का शेप बदल जाएगा, ड्रग का जब शेप बदल जाएगा, साइज बदल जाएगा, तो वो रिसेप्टर को छोड़ देगा, क्योंकि रिसेप्टर तो चिपकेगा ही नहीं जब ड्रग का साइज बदल गया। तो आपको पता है कि रिसेप्टर और ड्रग का साइज कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और दूसरा क्या होगा, जब उसकी पोलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी तो आराम से हाइड्रोफिलिक होकर के वो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें खास होती। अब फेज वन में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं इसको एक बार याद कर लीजिएगा, और इसको याद करने की बहुत सिंपल सी टेक्निक है, इसका नाम है कॉर्ड। याद कर लीजिएगा कॉर्ड, सी फॉर साइक्लाइजेशन रिएक्शन, यानी कोई भी सिंगल चेन था उसको साइकिल में कन्वर्ट कर देना। एच फॉर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, वाटर का एडिशन, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। ओ फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आर फॉर रिडक्शन रिएक्शन, एंड डी फॉर डीसाइक्लाइजेशन रिएक्शन, यानी पांच तरह के रिएक्शन होते हैं। इसमें देखिए खास बहुत सिंपल स्टेप है, और इस पांचों का एक ही पर्पज है कि हम उसकी पोलैरिटी को इंक्रीज कर दें, हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। वही फेज टू रिएक्शन कुछ खास रिएक्शन होता है, क्योंकि फेज टू रिएक्शन में कुछ बड़े बड़े ग्रुप एड होते हैं, इसीलिए फेज टू रिएक्शन को खास तौर पर कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें हम ग्लूकोरोनिक एसिड को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा ग्लूकोरोनाइट कॉन्जुगेशन। पहले बताया कि जो मॉर्फीन है, मॉर्फीन का जो एक्टिव फॉर्म क्या है, मॉर्फीन सिक्स ग्लूकोरोनाइट, यानी कि ये इस रिएक्शन के द्वारा, इस एंजाइम के द्वारा जुड़ता है, तो उसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है। ग्लाइसिन जो है उसका कॉन्जुगेशन हो सकता है, ग्लूटाथियन का हो सकता है, एसिटाइलेशन हो सकता है, मेथाइलेशन हो सकता है, या सल्फेट कॉन्जुगेशन हो सकता है, यानी एसिटाइलेशन में एस्टिल ग्रुप जोड़ देंगे, मेथाइलेशन में मेथिल ग्रुप जोड़ देंगे, ग्लूटाथियन में ग्लूटाथियन ग्रुप जोड़ देंगे, इसमें ग्लाइसिन, यानी हर रिएक्शन में कुछ बड़े ग्रुप को हम उस ड्रग के साथ जोड़ रहे हैं ताकि उसका शेप साइज डिस्टर्ब हो जाए और वो रिसेप्टर को छोड़कर पल्ला से बाहर हो जाए। ठीक है, चलिए बाकी कुछ और बात जान लेते हैं कि ड्रग मेटाबॉलिज्म के कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट होता है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, कुछ कुछ दवाइयां पीढ़ी दर पीढ़ी ज्यादा इफेक्ट या कम काम करती है। दूसरा है ड्रग का पॉलीमॉर्फिज्म नेचर शो करना, कौन कौन से एंजाइम है उसकी उपस्थिति में ड्रग का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। इसके साथ साथ जो ड्रग है अलग अलग इंडिविजुअल्स में उनके एज, उनके जेंडर, उनके डाइट, उनके मेडिकेशन कौन कौन से चल रहा है, उनको बीमारी कौन कौन सी है, इन सभी चीजों से भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, फैक्टर्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप में एस्क्रीशन, जिसको एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एस्क्रीशन में ड्रग एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि जो ड्रग अभी हमने बॉडी में खाया था, जो एब्जॉर्प्शन से शुरू होकर ब्लड में पहुंचा था, वो हमारे शरीर में रहेगा तो हमें नुकसान देगा। उसे किसी भी तरीके से शरीर से बाहर निकालना, किसी भी ड्रग को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम एलिमिनेशन कहते हैं। प्राइमरी रूट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एलिमिनेशन होता है वो रीनल एक्सक्रीशन के माध्यम से होता है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम दवाइयां किडनी के द्वारा पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकलते। इसके अलावा कुछ और रास्ते भी हैं, जैसे हिपैटिक मेटाबॉलिज्म भी होता है, यानी लीवर मेटाबोलाइज होकर यूरिन के रास्ते बाहर नहीं निकल रहा है, बल्कि वो बाइल के रास्ते से, इंटेस्टाइन के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल रहा है, वो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है। बाइलरी एक्सक्रीशन, ये भी हमारे जीआईटी के रास्ते से बाइल जूस में मिलकर के बाहर निकल जाता है, और वाया लंग्स, लंग्स के द्वारा भी होता है और जीआईटी के द्वारा भी होता है। यानी इतने और रास्ते भी हैं रीनल के अलावा एक्सक्रीशन होने के, उससे रीनल सबसे बेस्ट। ठीक है, तो रीनल रिएक्शन एक्सक्रीशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डिटेल में नहीं पढ़ना, बस नाम जानना है। तो इसमें जो ड्रग का जो कौन कौन से स्टेप होते हैं, एक आपका बेसिकली इसमें जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है ड्रग का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हैं वो जान लेते हैं। इसमें बेसिकली कौन कौन से बेटा स्टेप है आपके रीनल एक्सक्रीशन में, पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये तीन स्टेप्स होते हैं, इन्हीं तीन स्टेप्स के द्वारा हमारे जो ड्रग्स हैं वो एलिमिनेट होकर शरीर से बाहर निकलते हैं। तीनों स्टेप का नाम याद कर लीजिए, बस डिटेल नहीं जानना है आपको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, ये हमारा किडनी का हो गया। बाकी हिपैटिक मेटाबॉलिज्म जो होता है, जिसके जिस ड्रग का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से आपके लीवर में होता है, वो लाइकोफिलिक जो ड्रग्स है वो उसको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर रहा है और वो किडनी या बाइल के रास्ते बाहर निकलता है। जो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है इसके बिना किडनी से एक्सक्रीशन हो ही नहीं सकता। तो रीनल एक्सक्रीशन को सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है वो है हिपैटिक मेटाबॉलिज्म।
हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो ड्रग हाइड्रोफिलिक से कन्वर्ट हुआ लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में, जो दो रास्ते से चला जाता है, या तो पेशाब के रास्ते किडनी के द्वारा या बाइल के रास्ते जीआईटी के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। वहीं पे बाइलरी एक्सक्रीशन की बात करें, इसमें भी जो ड्रग है उसके मेटाबोलाइट जो हिपेटोसाइट्स द्वारा निकलते हैं उसका एक्सक्रीशन होता है वाया फीसेस, यानी जिसका भी फीसेस बाइलरी एक्सक्रीशन होगा वो लैट्रिन के रास्ते ड्रग बाहर निकलेंगे, रिनल एक्सक्रीशन होगा तो वो, और हिपेटिक होगा तो वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलेंगे। ये ड्रग को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही हमारा एक्सक्रीशन। कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे ड्रग का एलिमिनेशन प्रभावित होता है या हाफ लाइफ प्रभावित होता है। ये हाफ लाइफ क्या होता है, जितना हमने ड्रग खाया, मान लीजिए हमने 500 मिलीग्राम ड्रग बॉडी में खाया था, बायो अवेलेबिलिटी हुई 400 मिलीग्राम की 400 बॉडी में, अब 400 से धीरे धीरे वो निकलना शुरू करेगा, एक बार तो निकलेगा नहीं। जब हमारे शरीर में ड्रग निकलते निकलते अपनी इनिशियल क्वांटिटी का आधा बचे, यानी 400 का 200 बचे, तो उसी टाइम को हम उसका हाफ टाइम कहते हैं। ठीक है, तो जो ड्रग हाफ एलिमिनेशन है उसका जो हाफ लाइफ है वो किडनी के फंक्शन की, किडनी किस तरह से काम कर रही है, रिनल फंक्शन में किडनी फेलियर तो नहीं है, डायलिसिस तो नहीं चल रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, हिपेटिक फंक्शन पे और ड्रग मेटाबॉलिज्म पे और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन पे, इतने फैक्टर पे किसी भी ड्रग का हाफ लाइफ प्रभावित करता है। फैक्टर्स का नाम याद कर लो, रिनल फंक्शन, हिपेटिक फंक्शन, ड्रग मेटाबॉलिज्म और ड्रग इंटरेक्शन, इन चारों फैक्टर पर डिपेंड करता है। और कैसे किसी भी ड्रग का एलिमिनेशन अल्टर्ड हो सकता है, कैसे प्रभावित हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि रीनल फंक्शन में कोई परिवर्तन हो जाए या हिपेटिक फंक्शन में कोई परिवर्तन हो जाए, ड्रग के डोज में कोई परिवर्तन आ जाए, ड्रग का फॉर्मुलेशन बदल दिया जाए, इंट्रो हिपेटिक सर्कुलेशन हो जाए, इन सभी कारणों से अलग अलग लीवर और बाकी अलग अलग चीजों से हाफ लाइफ जो है प्रभावित होती है। ये कुछ फैक्टर्स के नाम थे जो आपको जानना था, मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट है, क्योंकि बाकी आरआरबी के सिलेबस हिसाब से इतना बहुत कंटेंट है जो मैंने आपको दे दिया, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, चांसेस बहुत कम है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करते हैं, मेरे ख्याल से मजा आएगा आपको भी पढ़ने में, इजिली समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज वन रिएक्शन इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म बताया था पांच रिएक्शन होते हैं फेज वन में, कॉर्ड CHORD, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कॉर्ड में नहीं आ रहा, चलिए बताइए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉन्जुगेशन और हाइड्रोलिसिस। आपका जवाब बिल्कुल, सबका जवाब सी आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं आपके स्क्रीन पे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्जुगेशन रिएक्शन जो है वो फेज टू का पार्ट होता है, फेज वन का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं बेटा, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन लीवर, लीवर में सबसे ज्यादा जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब सबका सही जा रहा है बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं सबका लगभग बी 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 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी साइटोक्रोम P450 सबसे ज्यादा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसके। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट लाइकली टू इन्फ्लुएंस ड्रग मेटाबॉलिज्म, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो ड्रग मेटाबॉलिज्म के द्वारा, जिससे ड्रग मेटाबॉलिज्म प्रभावित नहीं है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म यानी अलग अलग जेनेटिक परिवेश, एज, जेंडर और ब्लड प्रेशर। तो मैंने आपको कुछ देर पहले फैक्टर्स बताया था, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ब्लड प्रेशर से मेटाबॉलिज्म का प्रभाव नहीं है, बाकी तीनों से वो प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, फेज सेकेंड में, ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कि जो फेज सेकेंड है, अब कहां जा रहे हो भाई, हाँ फेज सेकेंड जो है बेटा मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, कॉन्जुगेशन होता है कि हाइड्रोलिसिस होता है। तो फेज वन में कॉर्ड था और फेज टू में कॉन्जुगेशन था, अलग अलग प्रकार का ग्लाइसिन का स्टाइलेशन है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, पेन पेपर निकाल लिया हो ना, जब भी मैं पेपर सॉल्व कराऊं तो पेन पेपर निकालो और लिखना शुरू करो कि आपके 30 में से या 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो गए, और वो बताओ कमेंट सेक्शन, ठीक है, तो उससे मालूम चलता है कि अभी पढ़ाई किस तरह चल रही है। Which of the following statement regarding drug metabolism is true? इसमें से कौन सा फैक्टर सही, बात सही है, ड्रग मेटाबॉलिज्म, फेज टू मेटाबॉलिज्म प्राइमरली ऑकर्स इन द लीवर, फेज वन लीवर में होता था, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स आर एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व्ड इन फेज टू मेटाबॉलिज्म। आपको बताया मैंने फेज P40 कहां इन्वॉल्व होता है, फेज वन वाले में, याद आ रहा, तो ये भी गलत है, पहला और भी गलत है, फेज वन मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स कॉन्जुगेशन रिएक्शन, ये तो सेकेंड वाले में होता था यार, ड्रग मेटाबॉलिज्म कैन लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ द प्रीड्रग, यस ये सही लग रहा है, क्योंकि फेज यहां पे बात हो रही है ड्यूरिंग, मैंने पूछा कि इसमें से
ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में कौन सी बात एकदम सही है रिगार्डिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म का तो सारा ही कुछ सही है, मैं फेज वन की बात नहीं कर रहा हूं, फेज टू में लीवर में होता है नहीं गलत है, P450 ये भी गलत है, फेज वन मेटाबॉलिज्म जो है कंजुगेशन रिएक्शन करता है ये भी गलत है। हाँ ये सही है चौथा कि ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है उससे प्रोड्रग का एक्टिवेशन होता है, जो भी प्रोड्रग एक्टिवेट होता है वो मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं बेटा, द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। शरीर में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म किस अंग में होता है? किडनी, लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन। सबको जवाब पता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दिस इज लीवर। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म वाया ग्लूकोरोनिडेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म वाया ग्लूकोरोनिडेशन, जिसमें ग्लूकोरोनिडेशन के द्वारा रिएक्शन होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल याद कराया था, वॉरफेरिन, मॉर्फिन, पैरासिटामॉल और एस्पिरिन, जो मैंने लिस्ट बताई उसमें भी था, अलग बताया था। जी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मॉर्फिन। मॉर्फिन का मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनेट बनके वो मेटाबोलाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एंजाइम इंडक्शन कैन लीड टू, जब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है और उसी समय लीवर में एंजाइम्स ढेर सारे बनने लगे, इंडक्शन होने लगे, तो उससे मेटाबॉलिज्म क्या असर पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म घटेगा, दूसरा ऑप्शन मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तीसरा कोई घंटा असर नहीं पड़ेगा, और चौथा है कि मेटाबॉलिज्म को लिमिटेशन आ जाए, इनहिबिट हो जाएगा। तो आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म एंजाइम की उपस्थिति में ही होते हैं, ज्यादा एंजाइम ज्यादा मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन नंबर बी सही है, इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रग मेटाबॉलिज्म प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन, ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है वो किसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? एब्जॉर्प्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, एलिमिनेशन में या एस्क्रीशन? तो आपको पता है कि एस्क्रीशन तभी पॉसिबल है ड्रग का हमारे शरीर से बाहर जब तक वो मेटाबोलाइज ना हो, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ड्रग का एस्क्रीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ड्रग मेटाबोलिज्म का। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म प्रोड्रग, जो प्रोड्रग शब्द है इसका मतलब क्या है? रिफर्स टू कंपाउंड दैट, मैंने बताया था ना कि प्रोड्रग क्या है, वो इनएक्टिव फॉर्म है, बॉडी में जाके वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है? पहला, इट इज मेटाबोलाइज्ड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन द बॉडी, सही लग रहा है। इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन, गलत लग रहा है। इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली, आईवी के फॉर्म में देते हैं, ये भी गलत लग रहा है। बाईपास मेटाबॉलिज्म, ये भी गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है कि मेटाबोलाइज होके ये अपनी बॉडी में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रूट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, इन चारों में से कौन सा प्राइमरी रूट नहीं है एलिमिनेशन का? वो आपको बताया, एलिमिनेशन का सबसे बेसिक रूट क्या है? रीनल, इसके अलावा दो तीन और थे, इसमें से कौन सा सबसे खास रूट नहीं है जिससे सबसे कम होता है? रीनल तो ये तो प्राइमरी है, हिपैटिक, पल्मोनरी और बाइलरी, मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें से सबसे ज्यादा रीनल से होता है, उसके बाद हिपैटिक से होता है, उसके बाद बाइलरी से होता है, सबसे कम जो है वो पल्मोनरी से होता है। बहुत कम गैसेस हैं जो गैस दवाइयां हैं जो गैस के फॉर्म में हमारे मुंह से बाहर निकलेगी, तो ऑप्शन नंबर सी है पल्मोनरी, ये प्राइमरी रूट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रग एलिमिनेशन प्राइमरली इन्वॉल्व, ड्रग एलिमिनेशन में क्या प्रक्रिया होती है? पहला है कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू मेटाबोलाइट्स, देख लेते हैं। अब ये मेटाबोलाइट क्लियर नहीं बताया कि एक्टिव की इनएक्टिव, रिमूवल ऑफ ड्रग और दियर मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी, हाँ ये सही है, मेटाबोलाइट के फॉर्म में ड्रग या ड्रग बाहर से निकलता है, कुछ कुछ सही लग रहा है। एक्टिवेशन ऑफ प्रोड्रग, ये तो होता ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रिमूवल ऑफ ड्रग और दियर मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी, ये आपको याद रखना है। चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना, भले पहला दूसरा ऑप्शन सही लग जाए लेकिन चारों जरूर पढ़ना, गलती मत करना बेटा। विच ऑर्गेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग किस अंग के द्वारा होता है? तो बहुत आसान पेपर हो गया, लीवर, किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन, तो आपको पता ही होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किडनी। बाइलरी सिक्रीशन इन्वॉल्व द सिक्रीशन ऑफ ड्रग इनटू, बाइलरी सिक्रीशन जो है उसमें जो ड्रग है वो किस रूप में या किसके साथ मिलकर बाहर निकलता है? बहुत आसान पेपर है, यूरिन के द्वारा, बाइल के द्वारा, स्वेट के द्वारा, सलाइवा के द्वारा, बताइए जवाब दीजिए। चलिए चलिए बताइए बताइए बताइए, जी हाँ सही है ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं नहीं बी 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 ए बी, काफी लोग जवाब बी है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बाइल के द्वारा बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनो हिपैटिक सर्कुलेशन,
prolongs the elimination of half life of a drugs primarily by. इंटरनल पेटिसम से मतलब कोई भी ड्रग अगर मेटाबोलाइज होने के बाद आपके हिपैटिक लीवर में सर्कुलेट होने लग गया, लीवर में किसी कारण से सर्कुलेट होने लग गया, तो उससे उसका जो ड्रग का हाफ लाइफ है वो बढ़ जाता है, यानी जो ड्रग 4 घंटे निकलने वाला था वो 6 घंटे 8 घंटे बाहर निकलेगा। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इनहांसिंग रिनल सेक्रेशन, क्योंकि रिनल सेक्रेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, फैसिलिटेटिंग बाइलरी सेक्रेशन या प्रमोटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि इंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन शुरू हो गया है ड्रग्स का। ठीक है, तो इसका रीजन क्यों होता है कि जब भी हमारा कोई ड्रग बाइल के माध्यम से निकलने लगता है, तो क्योंकि बाइल के रास्ते जब निकलता है तो वो फिर से एक बार लीवर सर्कुलेट होकर फिर जीआईटी के रास्ते गुजरता है, तो लंबा टाइम लगता है उसको बॉडी से बाहर निकलने में। यहां पे ऑप्शन नंबर सी सही है, फैसिलिटेटिंग बाइलरी एक्सक्रीशन, इसके द्वारा ही इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन बढ़ता है और ड्रग का हाफ लाइफ एलिमिनेशन रेट बढ़ता है, टाइम बढ़ता है। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अफेक्ट द एलिमिनेशन पर प्राइमरी इन बाइल फ्लुएंसी। जो किडनी में बताया था कि जो ड्रग का मेटाबोल एक्सक्रीशन है तीन स्टेप में होता है, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, रीएक्सक्रीशन। तो बेसिकली पूछ रहा है कि जो फिल्ट्रेशन है, जीएफआर है, उसका जो रेट है वो किस चीज से प्रभावित होता है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से, रीनल एक्सक्रीशन से, बाइलरी एक्सक्रीशन से या पल्मोनरी से। पल्मोनरी में तो जीएफआर होगा नहीं, बाइलरी में तो जीएफआर होगा नहीं, हेपेटिक में जीएफआर होगा नहीं, जीएफआर किडनी में होता है, तो यह रीनल एक्सक्रीशन की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट ड्रग एलिमिनेशन। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो ड्रग एलिमिनेशन को प्रभावित नहीं करता है? आपका जवाब आप देना इसको, एज, जेंडर, एथनिसिटी या ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा जो एलिमिनेशन को प्रभावित नहीं करेगा? ठीक है, तो आपको बताना है इसमें। ठीक है, देखिए ब्लड प्रेशर भी प्रभावित करेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर होगा तो ब्लड फ्लो तेज होगा और जल्दी जल्दी यूरिन किडनी से पास करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी है एथिनिसिटी, वो पास, वो उसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन जो है वो प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रग एलिमिनेशन हाफ लाइफ इज ट्रू। ड्रग एलिमिनेशन हाफ लाइफ जानते हैं ना, जितनी देर में ड्रग आधा निकल जाए बॉडी से, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? इट इज अनअफेक्टेड बाय रीनल फंक्शन, सवाल ही नहीं। इट रिप्रेजेंट द टाइम टेकन फॉर द ड्रग टू कंप्लीटली मेटाबोलाइज, पूरे ड्रग को मेटाबोलिज्म होने के टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ, नहीं ऐसा तो है। इट इज इंफ्लुएंस्ड बाय द हिपैटिक फंक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रग डोज। तो बिल्कुल इसका सही जवाब बताइए क्या हो सकता है, चलो ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है वो हिपैटिक फंक्शन पर डिपेंड करता है। हिपैटिक जितना तेज लीवर आपका मेटाबॉलिज्म करेगा उतना जल्दी एलिमिनेट होगा, हिपैटिक फंक्शन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्वेट, सलाइवा एंड ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, आर एग्जांपल ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बहुत से ऐसे किडनी के अलावा, बाइल के अलावा, कभी कभी पसीने के माध्यम से, कभी कभी सलाइवा के माध्यम से, कभी कभी ब्रेस्ट मिल्क से, इसीलिए ना जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो ऐसी दवाइयां, कुछ दवाइयां उनको अवॉइड कराई जाती है, क्योंकि वो दूध के रास्ते बच्चों में पहुंच सकता है। तो ये तीनों के रास्ते से किस प्रकार का एक्सक्रीशन होता है? रीनल जो किडनी से होता है, हिपैटिक तो लीवर से होता है, पल्मोनरी तो लंग से होता है, चौथा एक्स्ट्रा रीनल, यस, इन सभी को हम एक्स्ट्रा रीनल रूट कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 20, ड्रग एलिमिनेशन कैन बी अल्टर्ड बाय, किसके द्वारा ड्रग एलिमिनेशन रेट बदल जाता है, किस कारण से? जेनेटिक फैक्टर के कारण से, डाइट के कारण से, या ज्यादा मेडिसिन खाने से एक साथ, या इन सभी से? ऑप्शन सबको पता ही है, जवाब सबका सही आ भी गया है, जी हाँ डी सही है, इन तीनों से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मेटाबोलाइट पेयर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ड्रग और उसके मेटाबोलाइट का पेयर है जो गलत है? अब जो मैंने आपको टेबल याद कराया था, अगर आपको याद हो गया होगा, एमीट्रिप्टाइलिन नॉट ट्रिप्टाइलिन, कोडीन से मॉर्फिन 6-ग्लूकोरोनाइड, डायजापाम का ऑक्साजिपाम और इमिप्रामिन का डेसिमिप्राम। देखिए एकदम क्या आपको लग रहा है, ये तो सही, मेटाप्रालिन का जो एक्टिव फॉर्म है वो नॉटेप्रालिन है, डायजापाम का ऑक्साजिपाम है, इमिप्रामिन का डेसिमिप्राम, ये भी सही है, लेकिन ये जो मॉर्फिन 6-ग्लूकोरोनाइड है ना, ये मॉर्फिन का एक्टिव फॉर्म है, कोडीन का नहीं है, तो ये ऑप्शन बी जो है वो गलत है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही होगा, कि ये जो इनकरेक्ट मैच है। क्वेश्चन नंबर 22,
विच ड्रग इज इनकरेक्टली मैच्ड विथ एक्टिव मेटाबोलाइट, कौन से ड्रग और इसके मेटाबोलाइज का इनएक्टिव पेयर, मतलब पेयर जो है वो गलत है। डिजिटॉक्सिन का डिजॉक्सिन, आप बताइए हमको सही लग रहा है। फेनेसिपिन का फिनॉल, पिरिमिडोन का फिनोबार्बिटोल और एलोप्यूरिनॉल का एलोजेंथिन, अब आपको पता है सब सही लग रहा है। फेनेसिटिन का जो एक्टिव फॉर्म है वो पैरासिटामोल होता है, ना कि फिनॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट हैव एन एक्टिव मेटाबोलाइट, इन दवाइयों में से किस दव का अपना कोई एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म नहीं होता है। स्पायरोनोलैक्टोन, इसका तो होता है, पैरासिटामोल, प्रिमिडोन और एलोप्यूरिनॉल, प्रिमिडोन का भी है इसका, पैरासिटामोल खुद एक एक्टिव फॉर्म है, किसका, फेनेसिटिन का, तो इसका अपना कोई और एक्टिव फॉर्म नहीं होगा, तो यानी ये पैरासिटामोल ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इनएक्टिव ड्रग इज करेक्टली मैच्ड, यानी कौन सा जो ड्रग है उसका इनएक्टिव फॉर्म जो है, मतलब एक्टिव फॉर्म का इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना मेटाबोलाइट में, कौन सा ऑप्शन सही है। प्रोगोनिल का साइक्नोनिल, लिवोडोपा का कार्बिडोपा, इनालाप्रिल का इनालाप्रिल और सुलनिडेक का एपिनिडिन, तो ये सारा मुझे गलत लग रहा है। पहला ऑप्शन सही है, प्रोगोनिल का साइक्लोप्रोनिल, ये सही फॉर्म है, ये इसका एक्टिव का इनएक्टिव फॉर्म है, क्योंकि लिवोडोपा का डोपामीन होता है, इनालाप्रिल का इनालाप्रिलेट होता है और सुल्फिडेक का मेरे ख्याल से कुछ और दूसरा होता है, ठीक है, तो एपिनेफ्रिन तो नहीं होता है, ये ऑप्शन नंबर बी यहां ए सही है। 25, व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ डीपीवेफ्रिन, डीपीवेफ्रिन का एक्टिव फॉर्म क्या है, वो टेबल याद किए होंगे तो जवाब मिल जाएगा। एपिनेफ्रिन, एम्पिसिलिन, 5-अमीनोसैलिसिलिकेटिन, एसाइक्लोपिन, तो आपको पता होगा डीपीवेफ्रिन का जो एक्टिव फॉर्म है, नाम से मैच करा लो यार, एफ्रीन, एफ्रीन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए एपिनेफ्रीन इज द एक्टिव फॉर्म सही। क्वेश्चन नंबर 26, सल्फोसैलाजीन इज अ मेटाबोलाइज टू इट्स एक्टिव फॉर्म, जो सल्फोसैलाजीन है वो मेटाबॉलिज्म होकर किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसका एक्टिव फॉर्म क्या है, टेबल बताया है उसमें याद कर लीजिएगा। 5-अमीनोसैलिसिलिकेटिन, एम्पिसिलिन, डोपामिन और एल्डोफास्मामाइन, पता है क्या जवाब है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 5-अमीनोसैलिसिलिकेटिन। प्रेडनिसोन जो है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है, प्रेडनिसोन, इसका एक्टिव फॉर्म क्या है, बताया था, करेक्शन भी कराया था, एल्डोफास्मामाइड, एपिनेफ्रिन, प्रेडनिसोलोन या एक्रोलिन, तो आपको पता है कि प्रेडनिसोन का एक्टिव फॉर्म प्रेडनिसोलोन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही। 28, एनालाप्रिल एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है और वो बॉडी में जाके किस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये भी याद होगा, बहुत इजी है, एपिनेफ्रिन में, 5-अमीनोसैलिसिलिक एसिड में, एनालाप्रिलेट में या डोपामिन, तो नाम से मैच भी करा लेना, और एनालाप्रिल कन्वर्ट होता है एनालाप्रिलेट में, ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 29, What is the active form of bacampacillin? Bacampacillin जो है ये जो एक तरह का देखा जाए तो ये inactive form है लेकिन body में जाके active form में कन्वर्ट होता है, वो active form क्या है? Ercoxilin, acyclovir, eldofaspamide या ampicillin? नाम से क्या मैच कर रहा है, नाम से ये और ये मैच कर रहा है, लेकिन acrolein तो उसका होता है, acyclovir का होता है, ये है ampicillin, इसको amoxicillin भी कहते हैं, ये सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। 30, acyclovir जो है बॉडी में मेटाबोलाइट होता है उसके क्या, किस एक्टिव फॉर्म में, तो ये तो बताया थोड़ी देर पहले, एपिनेफ्रिन, एक्रोलिन, एसाइक्लोविर ट्राइफास्फेट, प्रोगोनिन, साइक्लोगोनिन, तो यहां पे सही बात है, एसाइक्लोविर ट्राइफास्फेट अगर ऑप्शन दिया है तो ये सही है, एक्रोलिन भी होता है लेकिन एसाइक्लोविर ट्राइफास्फेट इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो कितने जवाब आपके सही है 30 में से मुझे बताइए, और ये फार्माकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, आज क्लास नंबर 10 खत्म हो गया, आप सिलेबस की चिंता मत करिए, कुछ लोगों ने मुझे समय सुझाव दिया था सर ऐसे पढ़ाएं सिलेबस कैसे पूरा होगा, जुलाई से सितंबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे, नवंबर में पेपर होंगे, मेरे पास बहुत टाइम है, मैंने आपसे कहा है कि मैं 100 क्लासेस में पूरा आरआरबी का सिलेबस खत्म कर दूंगा, आज क्लास नंबर 10 है, अभी हमारे पास 90 क्लासेस बची, और 90 क्लासेस का मतलब 90 दिन, बीच में 2-4 दिन छुट्टी लूंगा अगर, तो फिर भी अगले 2 से 2.5 महीने में या 3-4 महीने में हम लोग सारा कुछ खत्म कर लेंगे, अक्टूबर तक सब खत्म हो जाएगा, नवंबर में आपका पेपर रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल।